हाय गाइस नमस्कार, मैं दुलाल चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और सारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई ऑनलाइन के जरिए हो रहा है, मोबाइल के जरिए हो रहा है, लैपटॉप के जरिए हो रहा है। जिन लोगों के पास मोबाइल पहले से है या लैपटॉप है तो उन लोग पढ़ाई तो कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जिनके पास मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन उनको मजबूरीवश लेना पड़ा। अगर पढ़ाई करवानी है तो उनको खरीदना ही पड़ेगा, इस कारण वो स्मार्टफोन लिए। दोस्तों, बच्चों के बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि अब बच्चे हक से मोबाइल मांगते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, मोबाइल दो तभी तो मैं पढ़ाई करूँगा। और गार्जियन के पास कोई भी चारा नहीं है कि वो मोबाइल नहीं देंगे, और उनको मोबाइल देना ही पड़ता है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करना है मोबाइल से। तो बच्चे मोबाइल से पढ़ाई करते हैं तो गार्जियन को देना ही पड़ता है, वो उनको दे देते हैं। इस तरह से कई बच्चे जो है मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे बड़े हैं ठीक है, वो तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो 5 साल 6 साल से भी नीचे हैं उन लोग मोबाइल को जिद करके मांग लेते हैं उसको देखने के लिए। उसको कोई पढ़ाई करने का उसका नहीं है, वो इतने छोटे हैं कि वो पढ़ाई तो नहीं करने सकेंगे, लेकिन देखने के लिए उन लोगों को यूट्यूब का जो लोगो है वो पता चल चुका है कि यूट्यूब का लोगो कैसा होता है। इसके अलावा उन लोगों को ये भी पता चल चुका है कि डाटा कहाँ से ऑन होता है, और वो लोग जो है डाटा भी ऑन कर लेते हैं, यूट्यूब चालू कर लेते हैं और उनको जो है कार्टून हो गया, कहानी हो गया, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। और उन लोग इतने जिद्दी हो जाते हैं, मतलब एक एक घंटा तक, दो दो घंटा तक देखते रहते हैं। उनको पता नहीं कि उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको पता नहीं, उसको अच्छा लग रहा है, वो देखते रहते हैं। कई सारे गार्जियन मुझे मिले, उन लोगों ने अपना प्रॉब्लम जब बतलाया कि मेरा जो बच्चा है वो यूट्यूब देखते रहता है, तो मैंने उन लोगों को बताया कि आप YouTube को हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए। YouTube जब मोबाइल में नहीं रहेगा तो आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा कि मोबाइल में पैसा नहीं डाले, रिचार्ज नहीं हुआ, इसीलिए जो है YouTube गायब हो गया है। इस तरह से करके आप बच्चों को इस आदत से छुड़वा सकते हैं। तो गार्जियन, कई सारे गार्जियन हमको बोले कि सर YouTube कैसे हटेगा, ये तो मोबाइल में ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ रहता है, तो फिर ये कैसे हट सकता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा कि मोबाइल के कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिससे YouTube हाइड कर सकते हैं, और YouTube के और भी कुछ फीचर हैं जिसके बारे में बात करूंगा। तो आइए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम लोग को जानना है कि YouTube किस प्रकार से हम लोग हाइड करेंगे, छुपाएंगे। तो हम लोग को इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सेटिंग पे जाना पड़ेगा। और सेटिंग पे आप देख रहे हैं ऐप्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब शुरू से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन दिया हुआ है। सभी मोबाइल में इस प्रकार का ऑप्शन होगा, हो सकता है उसमें कुछ दूसरा लिखा हुआ हो, लेकिन ये ऑप्शन होगा। तो आप इसको खोलेंगे, इसमें सारा ऐप्स जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है या सिस्टम में पहले से डाला हुआ है वो सारा ऐप्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे लेटर वाइज मिलता है, जैसे कि एफ हो गया, जी हो गया, इस तरह से मिलते हुए आगे बढ़ता है। तो वाई जो है यूट्यूब वाई से शुरू होता है, तो वो काफ़ी नीचे मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूट्यूब मिल गया, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे डिसेबल हो गया, डिसेबल जब हो जाएगा तो यहाँ पे इनेबल लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसको खुला ही रहने देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन पे। तो मेन स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे YouTube देखिए यहाँ से गायब हो गया है। अब YouTube कहीं भी आप मोबाइल में खोज लीजिए नहीं मिलेगा, पूरा ऐप्स आप छान के देख लीजिए, कहीं भी YouTube आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप फिर से YouTube कैसे लेके आएंगे, तो इसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो आप यहाँ से आप सेटिंग में चले जाइए जहाँ पे आप गए थे, यहाँ से आप इनेबल कर दीजिए। यहाँ से इनेबल करेंगे आपका YouTube फिर से आ जाएगा, या फिर आप जो है प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। यहाँ पे इसका डाटा ऑन कर लेना होगा तभी प्ले स्टोर काम करेगा। तो यहाँ से ओपन हो गया, डाटा ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे YouTube टाइप करते हैं और ये सर्च करेंगे। यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी YouTube इंस्टॉल रहता है, मतलब सिस्टम में डाला हुआ रहता है, इसीलिए अन इंस्टॉल नहीं होगा, जिसकी वजह से इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इनेबल कर लेते हैं, इनेबल हो गया। अब यहाँ से हम लोग बैक चले जाते हैं, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ बाहर में YouTube नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर में आपका YouTube आ गया, आप इसको बाहर कर सकते हैं। यहाँ से ये आ गया, जहाँ था वहाँ पर YouTube मिल गया आपको। अब YouTube में मैं आपको कोई दूसरा फीचर्स बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप YouTube को आपको डेस्कटॉप मोड पे खोलना है। कई बार कुछ सेटिंग करने के लिए डेस्कटॉप मोड पे खोलने की आवश्यकता पड़ता है। YouTube को डेस्कटॉप मोड पे खोलने के लिए हम लोग क्रोम पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं YouTube।
तो यूट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं। यूट्यूब ये खुल गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग यूट्यूब यहाँ पे दिख रहा है तो इस पर टैप करते हैं। ये देखिए अब डेस्कटॉप मोड पे जब खोलेंगे तो ये ऐप से खुलने लगेगा, ऐप से ही यूट्यूब खुलेगा, जबकि डेस्कटॉप मोड पे हमको खोलना है, ये खुलने वाला नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग के पास एक उपाय है। हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, यहाँ से जितनी बार हम इसको खोलने के प्रयास करेंगे ये ऐप से खुलेगा। तो इसका उपाय वही है कि हम यूट्यूब को डिसेबल कर देंगे। अभी देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ से ये सेटिंग हमारा ओपन है, यहाँ पर आते हैं और इसको डिसेबल कर देते हैं। ये हो गया डिसेबल, डिसेबल हो गया। और फिर हम लोग आते हैं क्रोम ब्राउज़र पर, क्रोम ब्राउज़र पर आ गए और इसको अब यहाँ से हम लोग खोलते हैं। ये देखिए अब ये ऐप पे नहीं जा रहा है क्योंकि ऐप डिसेबल हो चुका है, इसीलिए डेस्कटॉप मोड पे खुल गया। और इसका और एक उपाय है, थ्री डॉट जो है यहाँ से आप आएंगे और थ्री डॉट में आपको डेस्कटॉप मोड मिलेगा, डेस्कटॉप साइट। तो आप इसको यहाँ पे चेक कर देंगे, यहाँ पे देखिए ये डेस्कटॉप मोड पे खुल जाएगा। ये देखिए यूट्यूब डेस्कटॉप मोड पे खुल गया। अगर आपका यूट्यूब ऐप जब तक डिसेबल नहीं होगा तब तक ये डेस्कटॉप मोड पर नहीं खुलने वाला है। इसके अलावा मैं यूट्यूब का एक दूसरा फीचर आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम लोग सेटिंग पे जाके यूट्यूब को इनेबल कर देंगे, ये हो गया इनेबल, और हम लोग इसको बैक आ जाएंगे, जहाँ पे यूट्यूब था उसको हम लोग वापस ले आते हैं। ये यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यूट्यूब खोल लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। और इसमें जो है ब्लैक थीम आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं ब्लैक थीम दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे ब्लैक किया हुआ है। ब्लैक थीम होने से हमें यह फ़ायदा मिलता है कि हमारे आंखों पे यह जोर नहीं पड़ता है जब हम कोई वीडियो देखते हैं या इस तरह का ब्राउज करते हैं इसको, तो ये ब्लैक थीम होने के कारण हमारी आंखों में ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यूट्यूब में ब्लैक थीम हम कैसे लाएंगे, तो हम इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो लोगो डाला हुआ है, जो ईमेल आईडी में आप डाले हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसका सेटिंग आपको नीचे दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग में आइए और यहाँ पर जनरल इस पर इसको ओपन करते हैं। जनरल में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डार्क थीम, डार्क थीम यहाँ पे ऑन है। अगर हम इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये डार्क नहीं दिखेगा, ये वाइट हो जाएगा। ये देखिए इसको ऑफ़ कर दिया तो ये लेटर्स जो है वो ब्लैक हो गया और स्क्रीन जो है वो वाइट हो गया। तो इस तरह से हमको देखने में ज़्यादा परेशानी होगा, तो डार्क थीम को हम लोग ऑन कर सकते हैं जो हमारे आँखों के लिए बेहतर होगा। फिर हम बैक आ जाते हैं और एक चीज़ आपको दिखाते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बच्चों को मेरे चैनल की वीडियो खोजने में जो परेशानी होता है, अभी भी मैं बच्चों को देख रहा हूँ, कई सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, वो जिस वीडियो को मांगते हैं वो वीडियो पहले से बना हुआ होता है, वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आसानी से ढूंढने के लिए मैं बता देता हूँ, सपोज़ आप मेरा कोई भी वीडियो आपके YouTube पे शो कर जाता है, कोई भी वीडियो हम ले लेते हैं, सपोज़ हम इसको ओपन करते हैं, इस पर देखते हैं, कनेक्शन थोड़ा स्लो है। सपोज़ आप देख रहे हैं ये वीडियो, कोई भी वीडियो है, आप किसी को भी ओपन कर लीजिए, सपोज़ इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करना नहीं, एक्चुअली आपके चैनल पर मेरा कोई वीडियो आ गया है, आप उसको देखें और फिर उसको देखने के बाद आप उसके आगे वाला चैप्टर देखना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे वो आएगा, तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे ये चैनल का नाम लिखा हुआ है स्टडी विद दुलार। इस प्रकार के कोई भी चैनल में, किसी भी चैनल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस चैनल के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या करना है, आप ये वीडियो मान लीजिए कि देखें आपको अच्छा लगा और इसके और भी आगे वाला चैप्टर आपको पता करना है, तो क्या करना है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर उसको खोलिए, वो चैनल खुल गया, वो चैनल खुल गया और उसमें जो है इसमें आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट, ये देखिए यहाँ पे सारे वीडियो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ये नीचे वाला एरो में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जो जो वीडियो आया हुआ है, यहाँ पे वीडियोज में क्लिक करते हैं, सारा वीडियो आपको जिस प्रकार से वो डेट वाइज डाला हुआ है उस तरह से दिखेगा। और प्लेलिस्ट में आ जाइए फिर, नहीं तो प्लेलिस्ट में ये देखिए प्लेलिस्ट में आपको पता चल जाएगा, जैसे मोटिवेशनल वीडियो हो गया, हिंदी क्लास टू, हिंदी क्लास वन, इस तरह के सारे वीडियो आपको जितने भी वीडियो डाले हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश क्लास थ्री का 12 वीडियो डाला हुआ है, क्लास वन का 18 वीडियो डाला हुआ है, तो इस तरह से आप किसी को भी खोल कर देख सकते हैं। जैसे हिंदी 5 क्लास हो गया, इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 वीडियो है, तो 5 वीडियो यहाँ पे कम्प्लीटली हमको दिखाई दे रहा है। इस तरह से किसी भी चैनल का वीडियो हम वन बाय वन करके खोज सकते हैं। सिर्फ इसी का नहीं, मैं आपको दूसरे किसी चैनल का वीडियो दिखाता हूँ, सपोज कोई भी चैनल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, क्या सचमुच भगवान होते हैं, चलिए इसको ओपन करते हैं, ओपन, ये हो गया ओपन। अब इसमें कितना सारा वीडियो डाला हुआ है, किस कैसे कैसे वीडियो डाला हुआ है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे सोनू शर्मा, अब देख रहे हैं ये चैनल का नाम है, यहाँ पे आके इसको टैप करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये खुल रहा है। ये देखिए सोनू शर्मा का ये जो है कई सारा यहाँ पे वीडियो पे टैप करते हैं, देखिए कितना सारा वीडियो इसका है,
देखिए यहाँ पे कई सारे वीडियो मिला हुआ है, कई सारे वीडियो है इसका। और इसमें जो हम प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं, प्लेलिस्ट अगर बना हुआ होगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट के हिसाब से मिलेगा। ये देखिए प्लेलिस्ट में नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स, यहाँ पे 59 वीडियो है। यहाँ पे सक्सेस टिप्स फ्रॉम रामायना, तो यहाँ पे 4 वीडियो है। इस तरह से आप जितने भी वीडियो यहाँ डाला गया है सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग किसी भी चैनल का या मेरे चैनल का आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो जब नहीं मिलते हैं, इस प्रकार से आप खोज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार के आवश्यकता पड़ने पर फिर से मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।